जिला संगारेड्डी के हल्का संभाली जहीराबाद मंडल न्यालकल के मौजे हुसैनली में सरपंच मोहन रेड्डी किसान ने अपनी जरई अराजी में मेहनत करके अच्छी फसलें उगाते हैं और मीडिया नुमाइंदों से वो मुखातिब होकर कहा कि आज से 10 साल पहले की बात है जो रियासत आंध्र प्रदेश हुआ करती थी, उस वक्त आंध्र वालों ने तेलंगाना में आकर यहाँ के किसानों से जमीन रहन के तौर पर और जमीन खरीद कर अच्छी अच्छी फसलें उगाया करते थे और माकूल रकम हासिल करते थे। जब रियासत की तकसीम का वक्त आया तो तकरीबन आंध्र वालों ने अपनी अपनी जमीनात को फरोख कर दिया और अलहदा तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद वो यहाँ से चले गए। मोहन रेड्डी का कहना है कि मेहनत करके जमीन से सोना चांदी जैसी अशिया भी हासिल की जाती है। ऐसा ही एक मिसाल मौजे हुसैनली के सर्वे नंबर 49/50/51 में पेश आया। मोहन रेड्डी सरपंच किसान के पास 10 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। उन्होंने अपनी जमीन में तरकारी जैसे तुरई और टमाटर, हरी मिर्च जैसी बीज बोकर अपनी जमीन में अच्छी खास फसल को उगा रहे हैं और उसे फसल मुकम्मल होने के बाद तोड़कर तुरई जैसी अशिया ट्राई में भरकर मार्केट को मुंतकिल करते हैं, जिससे अच्छी रकम जैसे 70 दिन में 12 लाख रुपए हासिल की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जहां पर अच्छी कीमत होती है हम ऑटो के जरिए वहां पर तरकारी को फरोख्त करते हैं। और उन्होंने तेलंगाना रियासत के तमाम किसानों से अपील की है कि अच्छी मेहनत करने से अपनी जमीन में अच्छी फसल उगा कर अपनी जिंदगी में खुशहाली लाते हुए खुश रह सकते हैं। और किसान मोहन रेड्डी ने कहा कि हमारे मंडल न्यालकल के मौजे हुसैनली, गुंजेटी, रेजिंतल, रुकमापुर, चिल्लेपल्ली जैसे इलाके में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से निम्स यूनिट के लिए किसानों की अच्छी जमीनात को फरोख्त करने के लिए हुकूमत की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, जिससे अच्छी फसलें उगाने वाली अपनी जमीनात को निम्स यूनिट के लिए। मोहन रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला से पुरजोर मुतालिबा किया है कि अच्छी फसलें उगने वाली जमीनात को छोड़कर पालतू जमीनात जैसे पत्थर वाली जमीन, गौठान जमीन को लेकर निम्स यूनिट के लिए इस्तेमाल करें। अच्छी जमीन में काश करने वाले किसानों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये थी खास रिपोर्ट ZF न्यूज, एडिटर शेख रियाज की। सले गाँव का सरपंच हूँ और कुछ भी हूँ, इधर तरकारी बहुत बिकाता हूँ मैं। ये तुरई डालूँ 2 एकड़ में, फिर तुरई कम से कम रोज 35 से 40 पेटी निकलता, कम से कम 60 से 70 दिन चलता, ये कम से कम 10-12 लाख का माल होता। हम चाहे तो जिधर रेट आए तो उधर जाते, बीदर, जहीराबाद, हैदराबाद किधर भी डालते। ये निम्स में जा रहा बोल के हम बहुत इसमें परेशान में है। ये इतना पीक पिका के KCR सरकार 2013 का चट्टम हिसाब करे तो हमारे को कुछ ये जिम्मे नहीं गए ऐसा बचाए तो। और कोई है अभी ये तो न्यालकल मंडल में तो ज्यादा नहीं, मामड़ी गांव में थोड़ा चिल्लर चिल्लर बिकाते इतना। ये हिसाब से लकड़ी उकड़ी बांध के पूरा वैरूर बांध के तो ज्यादा लोग कोई नहीं करते। पहला आंध्र